नमस्कार, मैं भावना स्वागत करती हूं आपका आज तक 24 न्यूज में। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। श्री रितेश डावर अध्यक्ष नगर पालिका परिषद अलीराजपुर निर्वाचित, अलीराजपुर 15 फरवरी 2022। अध्यक्ष नगर पालिका परिषद अलीराजपुर पद हेतु उपनिर्वाचन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राघवेंद्र सिंह एवं पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह ने निर्वाचन प्रक्रिया का जायजा लिया। उन्होंने निर्वाचन व्यवस्थाओं और सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार रिटर्निंग अधिकारी SGM श्रीमती लक्ष्मी गामड़ ने निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न कराई। आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार अध्यक्ष पद हेतु नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किया गया। नाम निर्देशन पत्र की समीक्षा, प्रस्तुत नाम निर्देशन पत्र की सूची का प्रकाशन, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की सूची का वाचन, निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की गई। अध्यक्ष नगर पालिका परिषद अलीराजपुर हेतु केवल एक ही नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर श्री रितेश डावर अध्यक्ष निर्वाचन हुए। रिटर्निंग अधिकारी एवं SDM अलीराजपुर श्रीमती लक्ष्मी गामड़ श्री रितेश डावर को प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा नव निर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष को शुभकामनाएं दी। भाजपा जिला अध्यक्ष वकील सिंह ठकरला, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिता नागर सिंह चौहान एवं पूर्व विधायक नागर सिंह चौहान, पूर्व विधायक माधव सिंह डावर, पूर्व जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश कार्य समिति सदस्य किशोर जी शाह, जिला पंचायत सदस्य इंदर सिंह चौहान एवं नगर पालिका उपाध्यक्ष संतोष पोरवाल एवं सभी भाजपा पार्षद, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला महामंत्री मोहम्मद हुसैन मंसूरी पाकिजा एवं अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष गफ्फार खान और सभी भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने बधाई दी। मैम, आज नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव था, उसके बारे में कुछ बताएं। जैसा कि आप लोगों को विदित हो कि इलेक्शन कमीशन ने वर्तमान में यहाँ पर अलीराजपुर जिले में नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पद का चुनाव करवाने का हम लोगों को निर्देशित किया था, उसी प्रक्रिया में आज हम लोगों ने उसका चुनाव संपन्न किया। क्या परिणाम रहा? इसके परिणाम स्वरूप हम लोगों के पास नॉमिनेशन में एक ही पार्षद द्वारा अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन भरा गया था और नियमानुसार उन्हें समय दिया गया था, उसके बाद उन्हें निर्विरोध रूप से निर्वाचित घोषित किया गया। कांग्रेस का एक भी पार्षद नहीं आया? नो कमेंट। दूसरी बार इस नगर पालिका के उप निर्वाचित ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान एवं भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय VD भाई साहब और समस्त प्रदेश एवं जिले का जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, मैं उन सभी को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार यहाँ पर परिषद बनी है और हम यहाँ सभी पार्षद और जितने भी जनप्रतिनिधिगण हमारे वरिष्ठ है, हम सभी को धन्यवाद और बधाई देते हैं। शहर के विकास के लेके आपके मन में क्या योजना है? देखिए, पिछले वर्ष मुझे अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया था शासन की ओर से, तब से लगाकर आज तक हमने शहर को बदलने का प्रयास किया है और काफ़ी हद तक हमने बदला है और आने वाले समय में हम हमारी भारतीय जनता पार्टी की हम भूमिका निभाते हुए जो जनता से हमने वादे किए थे 2017 के चुनाव में, हम उसको पूरा करने जा रहे हैं और कई बड़ी योजनाएं हैं, जैसे आज़ाद प्लाजा है और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा थी कि वार्ड 1 और 9 में पानी की टंकी का निर्माण किया जाए, वो बहुत जल्द हम पूरा करने जा रहे हैं। अलीराजपुर जिला संवाददाता मुस्तकी मुगल की रिपोर्ट। देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।